मारने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित सुदेश भाटी की माने तो विकास त्यागी और देवेंद्र गौड़ के ऊपर उसके लाखों रुपए बकाया है, जिसको लेकर पीड़ित ने दोनों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है और अब देवेंद्र और विकास दोनों पीड़ित पर FIR वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और 1 करोड़ की रंगदारी मांग रहे हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से जब कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ित ने पूरा घटनाक्रम को ट्विटर पर शेयर किया और सूबे के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस की माने तो पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सुदेश कुमार भाटी है। मैं 15 साउथ एक्सटेंशन मेरठ में रहता हूँ। मैं नितांत अकेला रहता हूँ क्योंकि मेरे बेटा जो है वो लंदन में सेट हो गया है और बेटी की शादी हो गई है, वो अलग रहती है और मेरी वाइफ की मौत जो है 11 साल पहले हो चुकी है। मेरे बुढ़ापे में थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा था, वो देवेंद्र गौड़ और विकास त्यागी नाम के दो आदमियों ने धोखाधड़ी करके मेरे से ले लिया और 50 लाख रुपए के करीब था वो पैसा। अब और भी पैसा मांग रहे हैं, 1 करोड़ की डिमांड और कर रहे हैं। मैं अब दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा हूँ। अब मैं कहाँ से ला के दूंगा, उनको क्या करूँगा? वो लोग कह रहे हैं कि अपने बेटे से मंगाओ, कहीं से लाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। शासन से मेरा अनुरोध है कि वही मेरी रक्षा की जाए और मेरी सहायता की जाए। अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर शासन मेरी मदद नहीं करेगा मेरी सुरक्षा के लिए,